जब हम कैंसर की बात करते हैं तो हमारे जहन में कीमोथेरेपी और बहुत सारी दवाइयाँ, एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया और इंसान को बिस्तर से बांध के रखने वाली एक बीमारी प्रतीत होती है। लेकिन पीजीआई के डॉक्टर्स के रिसर्च के कारण मैजिक बुलेट नाम की इन दवाई इन सभी कारणों से ऊपर उठकर मरीजों को एक अच्छी और सेहतमंद जिंदगी प्रदान कर रही है। मरीज बिना किसी कीमोथेरेपी और बिस्तर पर आराम के एक सहज और नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसा कहा हमसे डॉक्टर पंकज मल्होत्रा और उनके द्वारा उपचार ले रहे उनके पेशेंट्स ने। उन्होंने बताया कि कैसे बिना खर्चे के वो कैंसर जैसी बीमारी को पछाड़ रहे हैं। ये मौका था वर्ल्ड CML डे का, जिसे पीजीआई के विभिन्न विभागों और मैक्स फाउंडेशन के सहयोग से मनाया गया, जिसमें 800 से भी ज्यादा कैंसर मरीज और उनके परिवारजनों ने भाग लिया। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। लुधियाना से आए हुए विनोद सूद ने अपनी पत्नी वीना सूद, जो कि कैंसर की जंग भरपूर जोश और साहस के साथ लड़ रही हैं, उन्होंने उनके लिए गाना भी गाया। ये पेशेंट ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से थे। सो ये आज हम जो एक दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको हम क्रॉनिक माइलर ल्यूकीमिया और या CML करके बोलते हैं। ये एक टाइप का ब्लड कैंसर है जिसका कि पहले कोई इलाज नहीं था, जिसमें कि जिंदगी सिर्फ 2 से 3 साल ही होती थी आमतौर पे। लेकिन अब हमारे पास इसके लिए दवाई अवेलेबल है, जिसको हम मैजिक बुलेट के नाम से भी कहते हैं। इमटनिब है या टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर्स है। और इस दवाई से जो हमने देखा है, जो अर्ली फेज में जो भी पेशेंट्स आते हैं इस कैंसर के, वो ऑलमोस्ट नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। जैसे कि जिसको बीमारी नहीं है उसकी जितनी ज़िंदगी है, वैसे ही ये इनकी ज़िंदगी जो है ना वो जी सकते हैं। इसमें सिर्फ रेगुलर दवाई खानी होती है, इसको टारगेटेड मेडिसिन भी बोलते हैं। तो ये कोई कीमोथेरेपी नहीं है, इसलिए कोई बाल नहीं झड़ते, कोई उल्टियाँ नहीं हैं, कोई और इसके इस तरह से कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है जो कीमोथेरेपी के होते हैं। तो ये टारगेटेड मेडिसिन है, जिसको कि अगर कोई आदमी रेगुलर ले रहा है और अपना रेगुलर चेकअप करा रहा है और अर्ली फेज में ये बीमारी ठीक हो जाती है, और कुछ पेशेंट्स की कुछ सालों के बाद हम दवाई को बंद भी कर सकते हैं। एडवांस फेज में जहाँ पे पहले सिर्फ ज़िंदगी 2 से 3 महीने ही होती थी, वहाँ पे भी ये काम करती है, लेकिन उतना काम नहीं करती है जितना कि ये अर्ली फेज में करती है। तो ये जो हम ये मीटिंग करते हैं वर्ल्ड CML डे, जो आज का दिन है, इसका बेसिक पर्पस यही होता है कि हम इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि लोग, अगर कोई पेशेंट्स जो हैं हमारे पास अर्ली स्टेज में आएंगे और हम उनको क्योर कर पाएँ। सर, ब्लड कैंसर की हम बात करें, उस तक नौबत क्यों पहुंचती है, क्या क्या इसके कॉजेस हैं? सो जो ब्लड कैंसर्स हैं, जो CML की हम बात करते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं देखा गया है। ये देखा गया है कि ब्लड में जो हमारा क्रोमोसोम्स है, 22 नंबर और 9 नंबर में आपस में उनके ट्रांसलोकेशन हो जाती है, और उसकी वजह से एक प्रोटीन बनता है जिसको हम BCR-ABL बोलते हैं। तो जिन लोगों में ये BCR-ABL बन जाता है, उन लोगों में CML जो है डेवलप हो जाता है। इसके सिम्टम्स यही होते हैं कि जो वाइट सेल काउंट है वो बढ़ जाते हैं, स्प्लीन बढ़ जाती है, और कई बार हल्का फुल्का बुखार लगातार चलना, वजन थोड़ा सा कम होना, ये वाले कुछ सिम्टम्स होते हैं। ज़्यादातर लोग हमारे पास आते हैं जब तिल्ली बढ़नी शुरू हो जाती है, और तिल्ली की वजह से उनको पेट में दर्द वगैरह शुरू होता है। तो जब ब्लड टेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम बोन मैरो या BCR-ABL का टेस्ट करके कंफर्म करते हैं। तो जिसके भी कभी ऐसे सेल बड़े हों, तो मेरे को लगता है कि, और तिल्ली बड़ी हो, तो CML ज़रूर देखना चाहिए, ताकि अर्ली स्टेज में जो हमारे पास पेशेंट्स आएँ उनमें हम कहते हैं कि बीमारी ठीक होती है और वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर सर, जितने पेशेंट्स आए हैं, सबसे ज़्यादा क्वेरीज क्या थी, सबसे ज़्यादा जो पेशेंट, उनके इलाज पीजीआई से ही चल रहा है? काफ़ी सारे, आई थिंक जब हम ऐसी मीटिंग करते हैं तो हम ये कहते हैं कि पेशेंट का इलाज कहीं भी चल रहा हो, वो इसमें आके आ सकता है, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो पीजीआई से ही थे, लेकिन हम ये सभी जो आसपास के डॉक्टर्स हैं सभी को ही हम ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि हम ये मीटिंग होल्ड करते हैं, और इस मीटिंग से एक परिवार, एक आपस में पेशेंट्स जुड़ते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पता लगती हैं। जैसे हमने बताया आयुष्मान के थ्रू फ्री है, हिम केयर के थ्रू फ्री है, पुअर फ्री वाले पेशेंट्स को पीजीआई की तरफ से फ्री है, और कुछ लोगों को जो है वो बॉम्बे मैक्स फाउंडेशन के थ्रू फ्री मिल रही है। टेस्ट का नाम बताया जो कि कॉस्टली है, तो किस तरह से उस टेस्ट को हम जो है वो बिल्कुल सस्ते में जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये, और प्लस जैसे हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं इस बीमारी के बारे में, जो आमतौर पे क्वेरीज हैं सभी की थोड़ी सी दवाइयों के साथ ही रिलेटेड होती है, और कई बार खाने पीने के साथ रिलेटेड होती है,
क्योंकि ये यंग एज में हमने ज़्यादा देखा है, 30 से 40 साल की उम्र में ज़्यादा देखा है। तो बड़े सारे जो पेशेंट्स हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती तो शादी करनी होती है, या शादी हुई है उनको आगे बच्चे करने हैं, तो बड़े सारे क्वेश्चंस उसके साथ रिलेटेड जो है ना वो होते हैं। तो इसके लिए हमने एक बुकलेट भी जो है वो निकाली है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस इन CML, जिसको हमने हिंदी इंग्लिश पंजाबी में निकाला है, जिसमें कि ऑलमोस्ट जिन लोगों को पढ़ना आता है या उनके साथ वाले अगर पढ़ने वाले हैं अगर उसको पढ़ेंगे, छोटी सी बुक है, तो ऑलमोस्ट उनकी 90% 95% जो हैं क्वेरीज वो उनकी आंसर हो जाएंगी। यस, दिस इज़ नॉट कीमोथेरेपी। यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आमतौर पर जब भी ब्लड कैंसर की बात होती है तो एक मन में सीधा ही आता है कि शायद कीमोथेरेपी मिलेगी, कीमोथेरेपी मिलेगी, और एक कीमोथेरेपी से बाल झड़ेंगे, मुंह में छाले पड़ेंगे, उल्टी आएंगी, और शायद बिस्तरे पे ही जिंदगी बीतेगी, बाहर नहीं जा सकते। जबकि हम यहाँ पे बोल रहे हैं इस कैंसर में जो क्रॉनिक माइल्ड ल्यूकीमिया है, आपकी टारगेटेड मेडिसिन है जिसके कि कोई मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ना के बराबर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आप अपना नॉर्मल रूटीन कैरी आउट कर सकते हो, नॉर्मल ज़िंदगी महसूस कर सकते हो, लेडीज़ हैं घर के काम कर सकती हैं, नौकरी जाते हो नौकरी आप जा सकते हो। हम इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जो दुबई में हैं और वहाँ पर दिहाड़ी करते हैं और दवाई खा रहे हैं, यहाँ से दवाई चली जाती है उनकी, दवाई खाते हैं और वो अपना काम पूरा कर रहे हैं। मतलब आपको आपको देख के आपने देखे यहाँ पे पेशेंट, आप बता भी नहीं पाओगे कि सचमुच इनको बीमारी है भी है कि नहीं है। थैंक यू। इनका बैंक में था, इनका ऑलमोस्ट बैंक ने सपोर्ट किया, 1 करोड़ रुपए तक की इन्होंने दवाई ली इन्होंने, और 14 साल इन्होंने ग्लेवियक की दवाई ली जिससे स्टिल नेक्स्ट जनरेशन ले रहे हैं। हाँ, इमेटिनिब। सो इन्होंने ली, उसके बाद फिर इनकी जो है ऑब्वियसली थोड़ी सी रेजिस्टेंस डेवलप होगी बीमारी की, तो फिर हमने दवाई चेंज की और फिर चेंज की, तो बहुत सारे रोलर कोस्टर की तरह इनका वो चला। 81 में हमारी शादी। डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। हाँ, इनका नाम लिखना मत भूलना। अरे नहीं, साथ में फोटो कर लेते हैं। नहीं, डॉक्टर मैंने ये आपको ठीक करने वाला ऊपर वाला कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये तो आपका कर्म है। नहीं बोल रहे, ये पेशेंट बोलने के लिए आपको भेजा है। मेरा तो मानना है डॉक्टर की मुस्कान देख के आधा वर्ष ठीक हो जाता है एक्चुअली। मैं तो डॉक्टर बहुत मिला। आप 40 भी बता रहे थे कुछ, क्या 48 आपका 40 साल मनाया है? हाँ, 40 तो पिछले साल मनाया हमने, 21 में मनाया हमने, 40 साल हो गए थे शादी को, इनको पता होगा ना। और उसमें हमने तमाम वो हमारे टाइम में नहीं थी शूटिंग, प्री मैरिज शूट, टोटल मैरिज, अगर हम आपको दिखाएं ना, हाँ अभी भी है। हाँ तो दे दीजिए, हम दे देते हैं। मोबाइल नंबर भी एक मिनट में दे दूँगा। 9 8 7 2 0 एक लोग को दे दीजिए, नंबर बताइए अपना। 9 8 7 2 0 9 8 7 2 0 3 7 3 5 8 9 8 7 8 0 ठीक है ना। व्हाट्सएप नहीं है क्या? है मेरे पास, नहीं इस पर व्हाट्सएप नहीं है। 37 वो और 70 70875 70875। हाँ जी लिखो, सर एक नंबर खाली है, बात कर। नहीं नहीं उसमें नहीं आएगा व्हाट्सएप, वो नहीं आएगा। 70875 किया है, उनको देखते ही आधा तो मैं ठीक हो जाती थी, और उनकी जो एडवाइसेस होती थी वो तो मेरे ऊपर 100% लागू होती थी। जैसे ही उन्होंने कहा वैसे ही ठीक हो जाता। बहुत प्रॉब्लम, योगा, बाहर का खाना बिल्कुल बंद किया है, और पानी बॉइल्ड ही पीना है। 28 ईयर्स से मैं पानी बॉइल पी रही हूँ, एक दिन भी, आज भी मेरे बैग में भी अपना लेके जाते, आज भी मेरे बैग में बॉइल्ड वाटर है। We are now grandparents. खाना मैंने कभी बाहर का नहीं खाया। अगर सर जीवन साथी की बात करें तो आपका कितना रोल रहा, या कह सकते हैं कि कैंसर इन्होंने अकेले लड़ा या आपने भी उनके साथ जिया है? ये बात नहीं कही जा सकती ये अकेले लड़ रहे हैं। कोई भी पेशेंट, ये चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। इन पेशेंट को अगर जीवन देना है तो जीवन साथी या परिवार, दोस्त या जो भी रिश्ता है आपका, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भी
इनकी आशा बनी रहे, ये फर्टाइल रहें, ये वाइब्रेटेड रहें, तो जो भी ठीक रोल हो सका मैंने इनके साथ किया। आज तक कभी ऐसा दिन नहीं है 28 इयर्स में जहाँ भी डॉक्टर्स को हम दिखाने गए हैं, आई नेवर मिस्ड हर, आई एम ए ब्लेस्ड सोल बाय गॉड, कि कभी ऐसा दिन नहीं आया। डॉक्टर साहब जानते हैं मैं साथ ही होता हूँ, तो साथी की, बहन की, परिवार की ऐसे ही ध्यान रखना चाहिए। जो सात फेरे जब लिए थे तो सात जो लकीरें काटी उन्होंने पूरी नहीं भाई, मैंने कोशिश की 14 लकीरें, मैंने कुछ उससे ज्यादा करने की कोशिश की। मैं, मेरे केस का तो इनको ज्यादा पता है, मेरे को कम पता है, सू सब ज्यादा जानते हैं, बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा भगवान ने मतलब ऐसे ही भेजा है, डॉक्टर्स, फैमिली, ये सब डेस्टिनेड है। बहुत अच्छा दिन है आज का, और कितना टाइम निकल गया, लाइफ निकल गई। वेल ऑर्गेनाइज्ड, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। बरकरार देखो सब तो बड़ा रोल ना, जो डायग्नोस हो जाता है ना कैंसर किसी भी पेशेंट, वो परिवार का, वो दोस्तों का, रिश्तेदारों का, उन्होंने बच्चों का रोल सब तो ज़्यादा जरूरी है। डॉक्टर्स ने अपना काम करना है, मेडिसिन ने अपना काम करना है, लेकिन पेशेंट ने वो दुख दर्द न दवाइया खुद सहना है, नाल दी नाल जिहड़े उहदे परिवार के मैंबर ने, चाहे वह हसबेंड है, ब्रदर है, वाइफ है, या फादर है, या जो भी है रिश्ता थोड़ा, तो उन्होंने समझना पड़ेगा कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्च, सब जगह जाना चाहिए, वह उत्थे भी अपनी सेवा का फर्ज निभाना चाहिए। लेकिन जे थोनू प्रभु ने कर मौका दिता है सेवा करन दा, ता चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम लागू करके पेशेंट के नाल रहिए, उन्होंने इनकरेज रखिए, वो आशा की किरण बनाई रखिए, वो चावान बनाई रखिए, सारी जिंदगी वो एक समर्पण और अर्पण करके चलिए। तो तुम देखोगे मेरे 28 साल के डायग्नोस तो बाद भी असं अज भी दोनों वाइब्रेंट हैं, वी एंजॉय एवरी मूवमेंट ऑफ लाइफ, वी सैलीब्रेट एवरी ओकेजन, सारे बच्चों असी जिन्निया भी इवेंट्स ने, जोड़ा भी मूवमेंट मिलता है, उन्होंने असं इंजॉय करते हैं। वो होंगे कि इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ योगा, इट्स अ सॉर्ट ऑफ योगा दैट यू आर वाइब्रेंट। पेशेंट सोचता मैं जी सकता, मैं जी रहा, मैं कुछ नहीं होना, और जैसा सोचोगे उस तरह का हो जाता। असं तो जिंदगी इदा ही देखे, इदा ही निभाने की कोशिश कर रहे हैं, है तो तुम ये सुनेहा अगे भेज सको, होर लोगों इस गल बारे ध्यान। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। तुम कुछ कहना चाहोगे इन्हें 28 साल के सफर बारे? ये लंबा सफर बहुत प्रॉब्लम्स वाला भी रहा, ऐसी गल नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन मिलता ही रहा। एक दवाई बंद होंदी सी, दूसरी दवाई आ जाती सी, दूसरी बंद होंदी सी, तीसरी आ जाती सी, मैनू कदे मेडिसिन की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इस करके सा ट्रीटमेंट पूरे तरीके नाल सही तरीके नाल होया, फैमिली की सपोर्ट रही, डॉक्टर एटीट्यूड बहुत अच्छा रहा, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिलता रहा, बाकी उस परमात्मा की भी बहुत कृपा रही है। पूरी नौकरी की है मैं, कोई फर्क नहीं पाया मैं, अपनी सारिया ड्यूटीज फैमिली वाइज जिन्या ड्यूटीज से परमात्मा ने करवाती हैं, बस आई एम थैंकफुल टू एवरीवन। सर एनी सॉन्ग व्हिच यू वांट टू डेडिकेट टू हर? सॉन्ग तो जेड़ा मर्जी सॉन्ग हो, सी अंदर नु डेडिकेट करना चाहूंगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी, पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। थैंक यू।
ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।